इसके अलावा मैं बात कर रहा था, जब हमेशा आपके पास ये ऑप्शन आता है, काफी सवाल उठते हैं जब भी बिग बॉस का जिक्र होता है, उर्फी का जिक्र होता ही मैं होता है। एक हफ्ते थी बिग बॉस में गाइस, एक हफ्ता बट बिग बॉस ओटीटी में थे और सबसे भी एक पहले। हफ्ता हाँ, तो बिग बॉस का फिर से नया सीजन आया, फैंस काफी निराश हुए आपको ना देख के। और ये हफ्ते की मैं बात करूँ, काफी सारी चर्चा हो रही थी, मैं देख रहा था कि आप कुछ राखी जी से भी कुछ नाराज चल रहे हो, अनफॉलो, ये चर्चा हो रही है, कुछ उस पे जिक्र करना चाहोगे आप? इंस्टाग्राम से ही पता चलती है क्या, मतलब यस यू नो कि आप किसके दोस्त हैं क्या नहीं है या लाइकनेस क्या है। और इस सोशल मीडिया को हम इतना महत्व देने लगे कि अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप दुश्मन हो गए। दैट्स सच, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड बाकी एंड वॉट डू वॉन्ट टू से अबाउट साजिद खान? मैंने कल भी एक वीडियो देखा था आपके, आपने काफ़ी कुछ अगेंस्ट बोला था एंड राखी जी सपोर्टेड साजिद खान, सो वॉट वॉज योर टेक ऑन दैट? मैंने अपने टेक बहुत बार दे चुकी हूँ। आई थिंक इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, बोल दिया खत्म। पर आपको क्या लगता है कोई एक इंसान तुम के निकलवाओ कंट्रोवर्सी, निकलवाओ, तुम कोशिश कर रहे हो, पूरी दिख रहा है मुझे। पर एक इंसान को जिसके इतने सारे एलिगेशन लग जाते हैं एक तुम्हें क्या लगता प्लेटफॉर्म, है? चलो तुम बताओ पहले, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है? बट ये इंटरव्यू आई गेस आपका है तो, पर मैं तुम्हारे व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ, मुझे भी तो पता चले लोग क्या सोचते हैं। बट दिस इज योर इंटरव्यू, नॉट माई इंटरव्यू। इफ माई इंटरव्यू इज बेस्ट देन इफ आई एम इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा आई विल से माई, नो नो इट्स फाइन, मेरा भी गाना आएगा तो मैं आई विल बी फ्रंट ऑफ द कैमरा। इसका गाना निकालवाना है अब जल्दी जल्दी कि मैं उस साइड जाके क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि एक इंसान के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग जाते हैं, मी टू मूवमेंट बन जाता है और उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे एक क्लीन चिट मिलने का, तो आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ी है कोई बिग बॉस, नहीं नहीं कोर्ट, बट द पीपल आर सेइंग ही वेंट इन इनसाइड दैट हाउस बिकॉज ऑफ क्लीन चिट। ऐसा तो कुछ नहीं बोला, बट आई थिंक आई हैव सेड इनफ, मैं अब ज्यादा हाय हाय ये मजबूरी भाई।